पा रहे हैं, अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ एक हलचल मोरहाबादी मैदान में भी है, क्योंकि मोरहाबादी मैदान में बड़ी संख्या में जेएमएम के कार्यकर्ता, नेता, समर्थक पहुंचे हुए हैं। और ये जो अभी धारा 144 को लेकर जो नया अपडेट आया है, इसका मतलब साफ है कि इन्हें कोई इस तरह की आशंका है कि अगर कुछ ऐसा होता है जो हम कह रहे हैं कि सीएम हेमंत सोरेन गिरफ्तार भी हो सकते हैं, तो वैसे जो भीड़ है उसे कैसे रोका जाए, उसे आने से यहाँ रोकना होगा, क्योंकि वो जो लोग हैं वो हेमंत सोरेन के समर्थन में अलग अलग जिलों से आए थे। तो अभी कुछ मिनटों के बाद ये जो दृश्य है वो पूरी तरह से साफ हो जाएगा कि क्या कुछ होने वाला है। इतने दिनों से जो बातें हो रही थी ईडी के द्वारा, वैसी परिस्थिति में अविनाश जो हमारे दूसरी बार वो यहाँ पर आए दे रहे हैं, और जिस तरह की गतिविधियां इस वक्त नजर आती हैं, जहां पर सवाल जवाब के क्रम के बीच अगर अधिकारी जो हैं वो पहुंचते हैं मुख्यमंत्री आवास पर, तो वहां पर एक अंदेशा ये जरूर होता है कि क्या जो सोर्स कह रहे हैं कि गिरफ्तारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की हो सकती है, जिसके बाद ये सभी विधायक राजभवन जाएंगे, और दूसरी स्ट्रेटेजी जो कि दूसरी रणनीति बनाएगी ये प्लान बी पर इस पर काम किया जाएगा। इस बीच लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना डीजीपी को बुलाने के पीछे का मकसद ये भी माना जाए? नहीं, ये कहा जा सकता है। और देखिए जो परिस्थितियां भी हैं, जिस तरह से लगातार यहाँ जो चहलकदमी बढ़ी है, और खासकर अगर हम पुलिस के जो जवान हैं, पदाधिकारी हैं, जो अधिकारी हैं, जिस तरह से डीजीपी यहाँ पहुंचे, मुख्य सचिव पहुंचे हैं, तो आप जो कह रही हैं इनसे इनकार नहीं किया जा सकता है। जरूर ऐसी कोई तैयारी चल रही है जो जिस ओर हम इशारा कर रहे हैं कि क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो सकते हैं, क्या जिस तरह से धारा 144 को लेकर जो अभी नया अपडेट दिया गया है कि 10 बजे रात के बाद आगे भी जारी रहेगा, तो क्या जो मोरहाबादी मैदान में जो भीड़ है वो क्या आगे बढ़ रही है, ये सारी चीजें हैं। जो अंदर जो बसें गई हैं, 3 बसें गई हैं, क्या उसमें जो सत्ताधारी दल के जो विधायक हैं वो बैठकर बहुत जल्द राजभवन तक पहुंचने वाले हैं, राजभवन की गेट तक पहुंचने वाले हैं, क्योंकि वहां भी बैरिकेडिंग कर दी गई है, वहां भी इस तरह की कोई सूचना पहुंच चुकी है। तो ये बताइए अविनाश कि क्या ये किसी तरह की पॉसिबिलिटी नजर आती है, इसकी संभावना या गुंजाइश नजर आती है कि अगर राजभवन से बुलावा न भी आए तो भी ये विधायक वहां तक पहुंच जाए तब जब वहां पर धारा 144 लागू की गई है? नहीं, इसकी संभावना जरूर बनती है। मैंने पहले भी कहा कि अगर कोई इस तरह की सूचना राजभवन तक जाए, राजभवन के द्वारा अगर अनुमति नहीं भी दी जाती है विधायकों को अंदर आने की, विधायक उस गेट तक जा सकते हैं, उस गेट पर धरना दे सकते हैं, वहां अपना दावा ठोक सकते हैं, वो ये कह सकते हैं कि हमारे पास संख्या बल है, क्योंकि हमें जो जानकारी है कि इस वक्त सत्ताधारी दल के जो विधायकों की संख्या अंदर है वो 42 के करीब है, 41 चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। ये अगर विधायक यहाँ से निकलकर राजभवन की गेट तक जाते हैं तो एक दबाव तो जरूर बनेगा, वहां से अगर वो नहीं पीछे हटना चाहते हैं तब भी एक दबाव रहेगा, ये सारी चीजें हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि थोड़ा इंतजार करना है। और अंदर मौजूद है मुख्यमंत्री आवास पर? नहीं, जरूर मजबूत है। आपको फिर से दिखाएं कि जो अभी यहां से गेट के अंदर वो गए थे डीजीपी और मुख्य सचिव, उसके बाद से वो निकले नहीं है।